देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। तो सुबह 9:30 बजे ये बैठक आयोजित की गई है राज्य सचिवालय में। कैबिनेट की ये बैठक होगी, तो कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। तो बैठक में आ सकता है विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करवाने का फैसला। तो 2 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र। पेयजल निगम, पेयजल संस्थानों को मर्ज करने का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है इस बैठक में। तो वहीं कृषि और उद्यान विभाग को भी मर्ज करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। सुबह 9:30 बजे राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। संवाददाता अजीत कांबोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकते हैं मोहर। बिल्कुल आसमान, आपसे कुछ ही देर बाद राज्य कैबिनेट की बैठक होनी है 9:30 बजे से। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी, और जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, आगामी बजट सत्र को लेकर आज कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो कार्यक्रम शासन को भेजा गया है, उसमें 2 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र आहूत करने की एक बात सामने आ रही है, तो उसको आज मंजूरी मिल सकती है। ये भी मुमकिन है कि कैबिनेट उस पर चर्चा करे और मंजूरी दे सकती है। बड़ा सवाल इसमें यह है कि सत्र का आयोजन कहाँ होगा, क्योंकि भाजपा के ही कई विधायक गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत करने की मांग कर चुके हैं, और अब सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या डिसीजन लेती है, बजट सत्र को मंजूरी देती है और स्थान देहरादून रहेगा या गैरसैंण, इसका इंतजार रहेगा। क्योंकि अजीत, गैरसैंण को लेकर राजधानी की भी जो बात है, वो यहाँ पर मांग जो है इन विधायकों की तरफ से की जा रही है, तो क्या इन तमाम चीजों और जो लगातार बात और मांग की जा रही थी सरकार से, तो क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है इस बैठक के दौरान इस फैसले पर? बिल्कुल असमा, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार गंभीर जरूर है गैरसैंण को लेकर, लेकिन अभी तक कोई स्थायी फैसला गैरसैंण को लेकर निकलकर नहीं सामने आया है। अब भाजपा के ही 2 से ज्यादा विधायक और कई विधायक ऐसे हैं जो बैकडोर से इन विधायकों का समर्थन कर रहे हैं, गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग, और साथ में एक विधानसभा सत्र गैरसैंण में आयोजित करने की मांग पत्रों के द्वारा सरकार तक पहुंची है। अब सरकार फैसला लेगी कि सरकार को आगे क्या कार्रवाई करनी है। बजट सत्र मंजूर होता है तो बजट सत्र का स्थान कहां पर मंजूर होगा, इसका इंतजार रहेगा। इसके अलावा अगर आज की कैबिनेट की बात की जाए, तो तमाम विभागों के एकीकरण को लेकर प्रस्ताव लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। कई विभाग अपनी फाइनल जो फील्डिंग होती है वो सजा चुके हैं कि कैसे उनके विभागों का एकीकरण होना है, किन किन पदों को मर्ज किया जाएगा और कैसे विभागों का कार्य होगा। तो इसको आज मुमकिन है कि सरकार, राज्य कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है कि किन किन विभागों का एकीकरण होगा। इसके अलावा अप्रैल माह से जो नई आबकारी नीति लागू होनी है, मुमकिन है कि आज सरकार नई आबकारी नीति लेकर आ सकती है राज्य कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा जो और अन्य प्रस्ताव हैं, कई विभागों की नियमावलियां हैं, उन पर चर्चा हो सकती है। इंतजार इस बात का है कि जब 9:30 बजे से राज्य कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय बैठक का तय किया गया है, तो किन किन मुद्दों पर फैसला होता है और किन किन कैबिनेट अपनी मंजूरी देती है। जी अर्शन, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बजट सत्र से पहले इस तरह की बैठक काफी अहम भी हो जाती है अजीत। लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो गैरसैंण को राजधानी बनाने की और बजट सत्र आयोजित करने की मांग यहाँ पर की जा रही है, दूसरी तरफ बजट सत्र को लेकर भी तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है कि कहाँ पर ये बजट सत्र आयोजन होगा। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो सरकार के सामने दोहरी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ जो विधायक नेता उनकी तरफ से मांग कर रही है, तो वही दूसरी तरफ बजट सत्र को लेकर भी ये चुनौती सरकार के सामने रहती ही है कि कहीं ना कहीं जो विरोधी दल है वो मुद्दों को लेकर हावी होते दिखते हैं। तो ऐसे में दोहरी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने। बिल्कुल आसिमा, इस तरह से बजट सत्र को लेकर लंबे समय से बात चल रही है, बजट सत्र आहूत करना है राजधानी देहरादून में आहूत होगा, या फिर जो एक गैरसैंण स्थान है जहाँ की मांग उठ रही है कि राजधानी, स्थायी राजधानी घोषित की जाए, वहाँ पर बजट सत्र का आयोजन होगा। अब सरकार के सामने बिल्कुल दोहरी चुनौती होगी कि पहले तो बजट सत्र का आयोजन करना, कि 2 मार्च से जो संभवतः विधानसभा कार्यालय की तरफ से प्रोग्राम भेजा गया है शासन को बजट सत्र के लिए, उसको सरकार अपनी मंजूरी देती है। इसके बाद जो दूसरा चरण होगा वो ये होगा कि सरकार अस्थायी राजधानी देहरादून में बजट सत्र का आयोजन करती है या फिर गैरसैंण में। गैरसैंण की अगर बात की जाए तो भौगोलिक परिस्थितियां वहां की काफी अनुकूल नहीं होती है, ठंड का मौसम है, सर्दियों का मौसम है और बर्फबारी काफी रहती है। ऐसे में सरकार के आगे बजट सत्र का आयोजन करना, एक नवस्थापना विकास करना काफी बड़ी चुनौती होगी। हालांकि जो क्षेत्रीय विधायक हैं गैरसैंण के सुरेंद्र सिंह जी,
वो बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि गैरसैंण में तमाम व्यवस्थाएं व्यवस्थित की जा चुकी है, वहां पर रहने खाने के भरपूर इंतजाम हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार को वहां पर सत्र का आयोजन करना चाहिए। भाजपा के ही विधायक है और भाजपा की ही सरकार है। अब सरकार को भाजपा विधायक ने अपनी बात रख दी है, अब सरकार के ऊपर मंजूरी देना ना देना ये सरकार का फैसला होगा। कैबिनेट तो क्या सरकार का फैसला यहाँ पर रहता है, सबकी निगाहें हैं। अजीत फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।